स्वस्तिवर्धनम् उर्वारुक्यवर्धनम् उत्तमुष्यजवामृतम् ओम तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो। कलेक्टर बाबा की जय। कलेक्टर बाबा की जय। शांति शांति शांति। बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। बोलो समस्या क्या है? महादेव आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार है। बोलो बाबा, मैं किशनगढ़ गांव से आया हूँ, मेरी एक समस्या है बाबा। बोल बोल बच्चा बोल। मेरी वाइफ 15 दिनों से गायब है। मैंने बहुत गांव में उसका शोध लिया हूँ, लेकिन उसका शोध नहीं लगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। तुम्हारे पति का नाम क्या है बाल? उसका नाम गंगू है बाबा। प्यार से मोहल्ले वाले उसे चमेली बोलते हैं, तो फिर हम उसे चमेली बुलाते हैं। तेरी पत्नी यहाँ से पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर दूर किसी दूर शहर में किसी के साथ दिखाई दे रही। मुझे बच्चा भाई है कि मानू थे बाबा? मुर्ख बालक, वह किसी पुरुष के साथ है और पुरुष तेरा दोस्त है। कौन सा दोस्त बाबा? मुझे दोस्त चाहिए या तेरी पत्नी चाहिए? बाबा मुझे मेरी वाइफ को चाहिए। फिर ले नींबू और यहाँ से पश्चिम दिशा में जिस शहर में तेरी पत्नी होगी वहाँ ये नींबू अपने आप लाल हो जाएगा। जा ढूंढ ले अपनी धर्म पत्नी। कौन बाबा, ये नींबू लाल नहीं हुआ तो क्या करूँ? जब तक ये नींबू लाल नहीं होता तब तक तू घर नहीं आना, समझा? पर बाबा मेरी वाइफ को भेटेंगी ना? भेटेंगी अपना। जब तक ये नींबू तेरे साथ है वो तुझे जरूर मिलेगी, और जैसे ही वो तुझे दिखती है तुरंत ये कलेक्टर ताई उसके गले में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। जी भगवान, अपना बाबा जी बाबा बोल। जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो। बाबा ये कौन काम था? बोल बोल बच्चा। यह मेरा भाई है, मांझा मेरी महीने इसको आपके पास आया था। समस्या बोल, समस्या बोल। इसकी दारू नहीं छूट रही है, रायता रायता है और पीना चालू करता है। रायता भी करो बाबा, घर वाले सब परेशान है। ये ले लीजू और घर के बाहर आंगन में गाड़ देना, किसी दुष्ट शत्रु का साया तेरे भाई के पड़ा है, ये नींबू उसे उस साये से बचाएगा। और ये ले रहा मिताली भाई, तो वो शाम इसके खाने में दे देना, अपने आप दाल छूट जाएगी। बोल जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो। कलेक्टर बाबा की जय। कलेक्टर बाबा की जय। बाबा बोल बच्चा। मैं चोंगर चोंगा गणपत कसावी। समस्या बोल, समस्या। मैं बहुत दूर से आया हूँ बाबा। मेरा जवई पहले बहुत अच्छा था, अभी उसकी आदतें बदल गई है, उसको दारू का व्यसन लगा है। हाँ, उस कुछ भी करके उसका दारू का व्यसन छोड़ दो बाबा। उसके लिए कुछ तो भी करके दो। ओ, दारू का व्यसन लगा है। हाँ, ये जवई समझ गया। ये आओ बाल, आओ हमारे सामने बैठ, जा बैठ, सब ठीक हो जाए। इदं तीर्थं राम दीतामसा जना आत्मतीर्था जनन्ति मोक्षं मरणं वीर तन्नो रुद्रा प्रचोदया। बालक तू शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है मगर छूट नहीं पाती। महादेव कहते हैं कि शनि का प्रकोप है तुझ पे, शनि ने पूरा कब्जा कर लिया है तेरे मन पे, पहले उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है बाबा? एक पूजा करनी पड़ेगी, वो भी अमावस की रात। काहे की पूजा बाबा? शनिश्वर शांति यज्ञ करना पड़ेगा, तभी ये बालक मदिरा मुक्त होगा। यज्ञ फुकट में होगा क्या बाबा? फोकट में ही होगा रे बच्चा, मन बिना प्रसाद चढ़ाए प्रभु प्रसन्न नहीं होते रे, इसलिए भोग चढ़ाना पड़ता है। भोग? भोग मतलब? 18,111 रुपया ये सेवक के पास जमा कर दे, ये भोग का सब बंदोबस्त कर लेगा और उसी में शनिश्वर शांति यज्ञ भी हो जाएगा, समझा? ये तो लाख अपेक्षा मोती जड़ वाली बात हो गई है बाबा। 40 रुपए का टिंदू छोड़ने के लिए हमको घरदार कहाँ रखना पड़ेगा? हमको परवड़े का ऐसा यत्न करके दो बाबा, हम बहुत गरीब आदमी है बाबा। ठीक है बालक, अभी ले 500 रुपए बालक के पास जमा करके सेवक के पास, और ये ले नींबू,
इसके बिस्तर के नीचे 11 दिन रखना, साथ में एक कलेक्टर था, 24 घंटे इसके गले में रहना चाहिए, समझा? मैं इसको रात देता हूँ, साथ दारोगा छूट जाएगी। ये ले बालक, भस्म खा ले। अब दादा मकान पास विचार करून राहिलो, तुझा आवाज ना चेहरा वळखीचा वाटून राहिला म्हणून। शंभो आता चुप काय काय संभव संभव करून राहिला होता। भाऊ चांगला बोलला का बाबाला राग दिला तर भस्म करून टाकला। तू चुप से फूट काटवत चला। हा हा कायचा बाबा होते, हा असा भोंदू बाबा। अबे याले चांगला ओळखतो मी, हा आमच्या धामणगावच्या शाळेत शिकला, हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आम्ही एकाच वर्गात शिकलो 12वी वाली। हा आणि येते येऊन याने हा धंदा सुरू केला का? अशा बंडल पाडणे मी सांगतो ना, याची समतीकरण कुंडली माझ्याजवळ आहे। हा याने चांगला बरकतो मी। हा याची वर्गातल्या पोऱ्यावर वाईट नजर होती। अरे कुवाऱ्या पुरीला पाठवलं नाही याने, आणि त्या पोरीच्या भावानं याची मरतने सुताई केलं ना, आणि पोलीस आहे ना पासपो लावून याने जेलामध्ये बी ठेवला होता या भडक्याला। विचार शंभर शंभ बिंब नाही बे कायचा शंभ शंभ करून राहिला त्यालेला येते नाव बदलून कलेक्टर बाबा झाला, काय चांगला धंदा सुरू केलास ना। हा गरीब लोकायला लुटायले एवढ्या दूर आला, तुले वाटला असल तर तुले कोणी याची ओळखणार नाही। हा कलेक्टर बाबा हा मोठा समजा फक्त घरी जावा 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 बाबा आता हिंदी मध्ये बोलून आम्हाला चुट्ट्या बनवून साध्या बोलतात बाबा, आम्हाला गरीब लोकांनी बोलून कुठं टाकला? अरे तुझा गळवा म्हणजे हे टाकती पैसे जरी दिली चल का भाऊ आता ना भगत बाबा चल बाबा तुझा हिंदू टाकला बाबा या भगत बाबांना। रामन या मामाजी या एक असे समाजावर बोलत आहे का माझ्या दोस्ता बरं का बोल म्हणता का होत सप्पा तेल पाण्यात तसे आबा बाबा कडे आणून कोणी दारू सुटते का जी? हा अरे दारू सोडना ना सोडना आपल्या मनावर राहायचे, मग सोडून चाल ना जात सोडीन ना कवा मला जेव्हा वाटल तेव्हा, पण तुम्ही माझ्या कामामध्ये नाक खुपसवाचा नाही, आणि माझ्या या कामामध्ये नाक खुपसून मला खोटा नाटा बोलून असे आबा बाबाकडे आणावाचा नाही सांगून ठेवतो। येतो बे कलेक्टर आबा जवाय जवाय आता काय राहिलं अजून महाराजाच्या पायात पडून जा। तुम्हीच पडा उताने उघड्या हो हो मी नाही पडा। बाबा आता काय करू? आता का करायचा का काय नाही, गाव बदलाचा गाव बदलाचा, हा आपला गेटअप बदलाचा, हा आपला छोट्या दुपट्ट्या गुंडाळावाचा तर दुसरीकडनी गावाचा, समजला? बोल जय जय शाम। आता शंभो नाही आता जय हो मंगलमय हो, जय हो मंगलमय।